आज विकास की पुण्य तिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है, नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में चाप जानती है और ये बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि आज विकास की पुण्य तिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था और इस पूरे एक साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। ये है नीतीश कुमार की सरकार, ये है घमंडी सरकार का चेहरा। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार के डीजीपी छोड़कर भाग गए, बिहार में कोई डीजीपी नहीं है, नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारे चीजों का एक तरह से दोहन करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। पिछले एक साल की घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं, किस तरह बेगूसराय में एक दलित पासवान समाज की बेटी को नंगा करके पीटने का काम किया गया और नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। लोकतंत्र शर्मसार है, बिहार के आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज दलित समाज बिहार में अपने सब का क्रियाक्रम भी नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देश के गृह मंत्री जी को जाकर आग्रह किया और आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया और बिहार की सरकार आज तक सोई हुई है साथियों। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, कुरथौल गांव में वहां का एक दलित परिवार, जब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई तो वहां पर उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम को रोका गया, बिजली काट दी गई, उनके शरीर पर पेशाब कर दिया गया और नीतीश कुमार तुष्टीकरण के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यह है नीतीश कुमार जी का चेहरा, लोकतंत्र पूरी तरह शर्मसार हुआ। ये एक साल इसलिए हमने कहा, यह विकास की पुण्य तिथि है और सुशासन की बरसी है। नीतीश कुमार जी के राज में
ना सुशासन रहा ना विकास हुआ। और आपने देखा विकास, सुल्तानगंज के पुल का 1710-14 करोड़ रुपया का ब्रिज गिरा, आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट में इन लोगों ने लिखवा कर दिलवाया कि एजेंसी अपने संसाधन के पैसे से वो पुल फिर से निर्माण कराएगा। कई परिवारों के जान चले गए, वहां जो नाइट गार्ड था उसकी हत्या हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और यह EPC मोड था, मोड पर यह पूरा काम था साथियों, डिजाइन भी तय करना था, वो काम करना था उसी एजेंसी को, EPC मोड में यही होता है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह पूरी तरह घोटाला है, क्योंकि मैंने सीधा आरोप लगाया था कि जिस दिन इस मोड का सैंक्शन किया जा रहा था, स्वीकृति किया जा रहा था, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। ये सारे पुल का हिसाब नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए और FIR दर्ज होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी ने कोई भी जांच कराने से इनकार कर दिया।